अगला गीत प्रस्तुत करने के लिए प्रहलाद जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। फिल्म का नाम जहरीला इंसान और गीत के बोल ओ हंसिनी, 1974 की फिल्म, ऋषि कपूर और मौसमी चैटर्जी स्टारर यह फिल्म थी। ओरिजिनली इस गाने को शैलेंद्र सिंह जी गाने वाले थे, लेकिन एन मौके पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कुछ और डिसाइड किया एंड अल्टीमेटली द सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड इन किशोरदास वॉइस। तो प्रहलाद जी से हम ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। तुमचं सर्वांचं सरगम परिवाराच्या वतीनं आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। मोठे मोठे मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत, बड़े बड़े मान्यवर आज के सरगम में हमारे कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। नाम हम बाद में अभी एंट्री करेंगे सबके नाम, लेकिन अभी नाम हमारा शो जरा लेट शुरू हुआ है। बस थोड़ी सी ऐसी मजाक आपके साथ में करूँगा कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, कौन कहता है कि बुढ़ापे में, पारेख सर, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता। ये और बात है कि बुढ़ापे में किसी को शक नहीं होता। सितार जी बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। सितार जी मुझे याद आया कि माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। हेलो हेलो, महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। तेरा हंसा, ओ देर में लहर
संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे प्यारे सभी आदरणीय भाई और बहनों, ये हमारी आदरणीय ताई डॉक्टर अंजलि धामनकर है, जो हमारे सरगम का जो संकल्प था कि हर नए साल में हम लोग कुछ ना कुछ मानव सेवा करते हैं, इस बार भी हमने की है। तो एक नोटबुक और एक पेन का हमने आपसे मांग की थी, 1 लाख के ऊपर हमारे पास कलेक्शन पैसा आ चुका है, 1 लाख के ऊपर। ये मेरी बहन ने सबसे पहले मुझे 5,000 रुपये मेरे जीपे में भेजा था, तो आप इनके लिए तालियां। और 28 तारीख को 28 जनवरी को हमारी 3 गाड़ियां सरगम की आसनगांव आदिवासी पाड़ा, आदिवासी बच्चों के लिए हम लोग ने बहुत सामान जमा किया है, वो सब हम लोग लेके जाने वाले हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिले, धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सर, ये तो क्या मतलब इतना अच्छा बड़ा इतना नेक काम कर रहे हो आप, इतना बड़ा महान सोशल वर्क आप कर रहे हो, उसके लिए इतने छोटी छोटी हमारी मदद इतना जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बड़प्पन है और थैंक यू गुड। सिद्धार्थ जी और पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं, ईश्वर आपके साथ रहे इस नेक कार्य में, आपकी जो ऊर्जा है वो और बढ़ती रहे और आप ऐसे नेक कार्य करते रहे।